अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैंपबेल बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हैं द केमिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम कवर करेंगे तीन क्वेश्चंस को। व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर पर। मैटर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। एक ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। यानी मैटर की डेफिनेशन करते हुए हम दो चीज़ें माइंड में रखेंगे कि ये स्पेस लेती है और हैव मैस। अब मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। कोई भी चीज़ देख लेना, जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ऑयल हैं, गैसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं ये वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं। सो ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ों में ये क्वालिटी होगी वो क्या है, मैटर है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। मैटर बना किससे होता है? मैटर बना होता है एलिमेंट से। अब एलिमेंट इटसेल्फ क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते केमिकली। यानी उसका और ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, उसके सब पार्टिकल्स नहीं बन सकते। एलिमेंट एक ऐसा कंपाउंड है। साइंटिस्ट ने 92 नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं, जिसमें आपको पता है मेजर कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर, गोल्ड वगैरह। अब एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? एलिमेंट को लिखने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं? हो सकता है कि हम लेटर का जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका पहला लेटर ले लें, ठीक हो गया। लेकिन सम टाइम ना इंग्लिश नेम जो है उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर लिए जाते हैं, और सम टाइम लेटिन या जर्मन जो है ना वो नेम भी लिया जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का फर्स्ट लेटर तो एस है ना, लेकिन सोडियम का सिंबल क्या है, एन ए। एन ए निकला है उसके लैटिन नेम से, जो कि है नेट्रियम। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का इंग्लिश नेम जो है वो क्लोरीन है, और उसका सिंबल किससे निकला, फर्स्ट टू लेटर से। अच्छा, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली दो तरह के, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और ट्रेस एलिमेंट्स हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है उसको मेनटेन किया जा सके। ये बेसिकली 25 जो है ना वो ह्यूमन को चाहिए और 17 जो है वो प्लांट्स को चाहिए। इसमें कार्बन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये चार मिलके 96% बना देते हैं। यानी ये जो 25 एलिमेंट्स चाहिए ना ह्यूमन बॉडी को, इसमें से जो चार है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 96% बनाते हैं। बाकी 4% किससे मिलके बनता है, कैल्शियम से, फॉस्फोरस से, पोटाशियम, सल्फर से। उसके बाद हैं हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं? जो बहुत माइनर क्वांटिटी में हमें चाहिए। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीशीज़ को और तरह के ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए हो तो दूसरी को और तरह के। जैसे हमारी बॉडी के लिए आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो गॉइटर जो है वो डिज़ीज़ हो जाएगी। डेली 0.15 मिलीग्राम आयोडीन का इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हमने पहले बात की चार जो हैं वो 96% बनाते हैं, जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। उसके 4% जो है या 3.7% कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये मिलके बनाते हैं 4%। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर करते हैं कि कंपाउंड क्या है। एलिमेंट्स जो है ना वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं, सेम काइंड के एलिमेंट्स नहीं, डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स, और वो बनाते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से। जैसे हमारे पास वाटर जो है कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब वो कंबाइन होते हैं वाटर में तो उसको हम टेक कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जो है उसमें सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, लेकिन जब वो मिलती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और वो मिलके कंपाउंड बनाती हैं।
यानी एक या जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हमारे ये क्वेश्चन थे, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है।